क्लास थर्ड टॉपिक है नंबर नंबर। वैसे तो आपने वंस टेंस हंड्रेड तक पढ़े होंगे सेकंड क्लास में। अब यहां पे आपके पास नंबर आएंगे थाउजेंड तक, जैसे वंस टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड। क्लियर? ये जो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड है ये क्या है? प्लेसेस है। क्या है ये? प्लेस। वंस टेंस हंड्रेड क्या है? प्लेस है। एक नंबर है मेरे पास थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी। पीछे वाले को हम कैसे बोलते हैं? ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन फिफ्टी नाइन सिक्सटी, इस तरह से थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी। तो इन बार लिखने में भी हमें आसानी रहेगी जब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। ये इसका नंबर नेम क्या हुआ? थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी। अब हम एक कोमा में पुट करते हैं इसमें, कि जब हमें ये कह दिया कि नंबर दिया है कि पुट कोमा, इसके अंदर कोमा पुट करो, तो हम कोमा पुट करेंगे वंस टेंस हंड्रेड को छोड़ के हंड्रेड के और थाउजेंड के बीच में। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड को छोड़ के फिर कोमा पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक पीरियड होता है वंस टेंस हंड्रेड वंस। ठीक है, ये आप बाद में बताया जाएगा कि वंस टेंस हंड्रेड वाला एक पीरियड होता है। उनमें से हम इस पीरियड को इस पीरियड से अलग करते हैं। यहाँ से थाउजेंड पीरियड शुरू हो गया, ये वंस पीरियड। ओके, तो हमें कॉमा पुट करना था। यहाँ पे इस तरह से कॉमा पुट करेंगे। एक नंबर दिया मैंने फाइव सेवन जीरो फोर, पुट कॉमा तो वंस टेंस हंड्रेड कॉमा। ठीक है, कॉमा पुट हो गया। नंबर देन लिखेंगे फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर, फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर, सेवन हंड्रेड फोर। क्लियर? सेवन हंड्रेड फोर ये मेरे पास है। प्लेस, प्लेस में कोमा पुट करना जैसे कहां पे क्लिक करते हैं, और एक उस नंबर का नंबर नेम लिखना। मैं आपको एक नंबर देता हूं, उसके अंदर हम हंड्रेड की जगह पे जीरो लगाएंगे। मैंने हंड्रेड की जगह पे जीरो पुट किया, वन से टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड थ्री जीरो नाइन जीरो। कोमा तो पुट वहीं पे ही होगा, वंस टेंस हंड्रेड यहाँ पे कोमा पुट हो गया। तो ये क्या है? थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे जीरो हंड्रेड, जब हंड्रेड तो कुछ है ही नहीं तो हंड्रेड को छोड़ दो, सीधा थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड नाइनटी थ्री थाउजेंड नाइनटी। क्लियर? नंबर नेम में कोमा पुट किया, कोमा पुट करने के बाद हमने पीरियड बताए। पीरियड कोमे से पीछे जो होता है वो वंस पीरियड होता है, और कोमे से जो आगे शुरू होता है वो थाउजेंड्स पीरियड होता है। नंबर नेम लिखना, इन वर्ड में लिखना, और इसके बाद आता है मेरे पास फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू,
100, 1000, 9, 6, 2, 8. वैसे तो आपने 6 की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी हो, 6 की यदि मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी हो, 6 की प्लेस वैल्यू मैंने निकाली 6, 6 के बाद कितने जीरो डिजिट है यहाँ, 2, ऐसे. लेकिन इसका सही में पीछे वाला डिजिट को नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है कि 6 किस प्लेस पे है. 6 किस प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे है तो उस डिजिट की उसके प्लेस के साथ मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू होती है. प्लेस वैल्यू उसके बाद फेस वैल्यू. अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो वंस डिजिट पे हो, वंस प्लेस पे हो, चाहे वो टेंस प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, चाहे वो किसी भी प्लेस पे. अब मैंने ये कह दिया ये 8 है, ये वंस प्लेस पे भी 8 की प्लेस वैल्यू 8 है, और 8 की प्लेस वैल्यू 8 है, 2 है, टेंस पे है, टेंस पे इसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी लेकिन फेस वैल्यू 2 ही है, 6 है, प्लेस वैल्यू 600 है लेकिन फेस वैल्यू 6 ही है, 9 है, प्लेस वैल्यू 9000 है लेकिन फेस वैल्यू 9 है. जो डिजिट होता है ना उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, क्योंकि जो फेस होता है ना वो कहीं जाके अपना नाम नहीं बदलता, आपका नाम वही रहेगा, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप मामा के चले जाओ, चाहे आप बुआ के चले जाओ, आपका नाम वही रहेगा, फेस होता है जो आपका वो वही रहता है. आपकी जगह चेंज हो जाएगी, दिवाली से स्कूल का स्कूल वाला हो गया, स्कूल से फिर आपका दिल्ली हो गया, मेरठ रंगा हो गया, आप कहीं भी चले जाओ आपका प्लेस चेंज हो सकता है लेकिन आपका फेस कभी चेंज नहीं हो सकती, फेस वैल्यू वही रहेगी. 2 की फेस वैल्यू 2, 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की फेस वैल्यू 8. क्लियर? तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्लियर हुआ. उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद आपको नंबर फोन करना है. नंबर फोन करेंगे seven
इससे आप कोई भी फोर नंबर फोन करो, एनी फोर नंबर आपको फोन करना, कोई स्मॉलेस्ट नहीं कोई ग्रेटेस्ट नहीं, कोई भी फोर नंबर फोन कर। तो इससे मैं नंबर बना रही हूँ, अपनी मर्जी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने सबसे बड़ा बना दिया 9 7 5 4, वैसे जरूर नहीं कि मैं बड़ा बनाना है, बना लेते हैं। उसके बाद हमने 7 को आगे लिया 7 5 2 9, उसके बाद मैंने 2 4 5 को आगे लिया 5 2 7 9, फिर हमने एक अगली बार में 2 को आगे लिया 2 5 9 7। ये चार नंबर इन्हीं डिजिट का यूज करके बनेंगे। पहले बार में 9 7 5 2 9 7 5 2 9 7 5 2 9। अब कहते हैं कि इससे हमने नंबर को सम कर दिए, साथ में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें नंबर की कंपेयर आने चाहिए। अगर हम किसी नंबर को कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, जब नंबर की कंपेयर करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के साथ साथ हमारी कंपेयर भी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये चार नंबर फोर डिजिट के, ठीक है। आप फोर डिजिट नंबर में इनका सबका पहला डिजिट देखो, इसमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसका, 2 वर्ग, तो ये नंबर सबसे छोटा है 2 5 9 7, सबसे छोटा नंबर हो चुका। उसके बाद अगला है 5 5 2 7 9, उससे बड़ा है 7 1 7 5 2 9, और लास्ट में सबसे बड़ा है 9 7 5 2। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे, और यदि हमसे काफी साइन भी पुट करो, अभी हमने कॉमा लगाए थे, अभी कहते हैं साइन भी पुट करो, आपको पता है साइन जब हम पुट करते हैं ग्रेटर नंबर की तरफ मूव होते हैं, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये बड़ा बड़ा है। अब तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमें सबसे पता लग जाएगा, ये हमने साइन में पुट किया, क्लियर। इस तरह से हमें दिए हुए डिजिट से नंबर फॉर्म करके नंबर फॉर्म करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, नंबर फॉर्म करना, ये आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आपको बताती हूँ, आपके पास ऐसा ही एक डिजिट, ऐसे ही डिजिट दिए आपको, मान लो फोन थ्री टू वन एट, थ्री टू वन एट चार डिजिट है। इन चार डिजिट से फोर नंबर हमें चार नंबर बनाने हैं, और साथ में कहता है फॉर्म फोर नंबर यूजिंग 3 2 1 8। वन ओनली टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस है ना उस पर हर बार वन ही होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने क्या किया, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, उसने हमें कहा कि हम जितने भी नंबर बनाए उसमें वन टेंस प्लेस पे वही होना चाहिए, 1 2 3 4, हमें 4 ही नंबर बनाए थे तो हमने 4 बार टेंस प्लेस पे वही लेते हैं। टेंस को तो आप हमने लगा लेंगे, ध्यान रखने की बात है, क्योंकि टेंस का हम वन तो हम लगा चुके हैं, वन तो हम नहीं लगाएंगे नंबर में। पहले में लगाओ 3 2 8 3 2 8, अगले वाले में 8 3 2, अगले वाले में 2 8 3, अगले वाले में 2, अब के बाद 2 8 3 था वहाँ पे, अब 2 3 8 3, चार नंबर अलग अलग हैं और टेन स्पेस में वन है हर बार, क्लियर। वंस प्ले वंस प्ले, इसी तरह से वो स्पेशल डिजिट दे सकता है, वंस प्लेस पे ये डिजिट होना चाहिए, हंड्रेड प्लेस पे डिजिट होना चाहिए, थाउजेंड प्लेस पे ये डिजिट होना चाहिए, ऐसा कोई भी आपको
दिए हुए डिजिट से आप नंबर फॉर्म इजीली कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा राउंडिंग नंबर। लेकिन राउंडिंग नंबर पे जाने से पहले एक बार हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। Thank you.
एंड तुम्हारे जो 10, 20, 30, 40 ये नंबर है, तो जो 20 है वो किस किस के बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है ये 20 और ये 30, तो 20, 21, 25 बीच में हो गया। फिर दोबारा 26, 27, 28, 29, 30, 75 पे अगर कोई चीज है तो वो 30 की तरफ आती है। जब हम बीच में पहुंच जाते हैं तो 25, अगर यहाँ पे 21 से लेकर 21, 22, 23 और 24 यदि चार नंबर होते यहाँ पे तो वो तो वापस आ जाते हैं फिर से। और यदि हो गया 25 के ऊपर चले तो जब आप ऊपर चले यहाँ पे आना कौन पसंद करेगा? वो तो आगे जाएगा। तो 25 कहाँ पे जाएगा? 30 के पास। क्लियर? जब 5 वाला है या फिर 5 से बड़ा है तो वो आगे चलेगा। तो 28 तो मेरा 25, 26, 27, 28, 29 तो 28 का मैंने यहाँ पे आना है ना 30 की साइड। तो 28 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 30। 79 का इसी तरह से 54 का, अभी 54 है, अगर 55 होता तो वो 60 की तरफ जाता। अब 54 है वो तो इधर ही रहेगा ना। 54 55 से 50 60, अब जो ये 54 है वो तो 55 से इधर ही रहेगा तो इधर अब इधर आएगा 50 के पास। ये तो टू डिजिट के थे, अभी हम थ्री डिजिट के राउंड करेंगे। राउंड ऑफ थ्री डिजिट आपका नंबर नेम भी हो चुका,
अब हम आपको करवाएंगे स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग स्किप करना, स्किप काउंटिंग काउंटिंग के ऊपर से काउंटिंग को बता दो आपको। जैसे स्किप काउंटिंग की मैंने पैटर्न दिया 2 4 6 2 4 6 मतलब इसमें आगे 2 आगे, ये इससे 2 आगे, तो इससे 2 आगे क्या आएगा 8, उससे 2 आगे क्या आएगा 10, इससे 2 आगे क्या आएगा 12, इससे 2 आगे 14। क्लियर, ये हो गया स्किप काउंटिंग बाय 2 से। इसके बाद स्किप काउंटिंग बाय 5 से स्किप कैसे करेंगे, वही 5 10 15 आगे 5+ फिर 5 आगे फिर 5 आगे। अगर हमें कह दिया जाए कि स्किप बाय 10, तो 10 से स्किप कैसे करेंगे, बाय 1000, 1000 से स्किप हो जाए। आपके पास 1000 वाला सेट कैसे 7739 देखो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे पहले 7 था, अब 1000 पे 8 है, तो आगे 1000 पे क्या आएगा 9, आगे क्या है 10, अगर लेकिन 1000 पे अगर मैं 10 लिखूं तो एक प्लेस में एक डिजिट नहीं आता है, तो जब हमारे पास जाओ 10000 पे चला जाएगा, अब तो 1000 पे तो 0 हो गया ना यहाँ पे, फिर आप आगे इसी को 1 1 7 3 9 इंक्रीज होता जाएगा 1000 से, पहले तो हमें यहाँ पे यहाँ से देखो 7 था, फिर 8 किया, फिर 9 हो गया, अब यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया, लेकिन जो ये 1 है वो तो 10000 के पास आ गया ना, 1000 पे तो 1 हो गया, अब सिर्फ 1000 से फिर 0 से दोबारा 1 2 3 4 1000 स्क्वायर प्लेस में चेंज होता है। क्लियर, हमारे पास हो गया 1000 ये स्किप काउंटिंग बाय 2 5 10 100 1000। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपको स्किप करना होगा।